तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच वाइजैग में खेला जाने वाला है और इस मुकाबले में टीम इंडिया के कई इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, जैसे कि केएल राहुल टीम का हिस्सा नहीं है, रविंद्र जडेजा टीम का हिस्सा नहीं है। तो सवाल ये है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो इस मुकाबले के लिए रजत पाटीदार टीम में शामिल है, सरफराज खान टीम में शामिल है और कई लोगों का ये कहना है कि सरफराज को मौका मिलना चाहिए, तो कई लोगों का ये मानना है कि रजत पाटीदार को मौका मिलना चाहिए। रजत पाटीदार की बात करें तो पिछले 1-2 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बीच में इंजर्ड हुए थे, आईपीएल में भी उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, आरसीबी के लिए वो खेलते हैं। दूसरी तरफ सरफराज की बात करें तो आईपीएल इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में अगर हम रजत पाटीदार की बात करें तो इंडिया ए के लिए उन्होंने 2 सेंचुरी भी लगाई और उसके बाद उन्हें फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर जोड़ा गया और सरफराज ने भी एक मुकाबले में इंडिया ए के लिए सेंचुरी लगाई और उसके बाद उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसके दम पर उन्हें टीम इंडिया में एंट्री मिली है। लेकिन सवाल ये है कि प्लेइंग 11 में किसे मौका मिलेगा, कौन सा खिलाड़ी अपना टेस्ट डेब्यू कर पाएगा। तो इसको लेकर पूर्व साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर एवी डिविलियर्स, उन्होंने कहा है कि सरफराज को मौका मिलना चाहिए और इसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई है मैं एक बार आपको उनका बयान पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग है, अगर आप सरफराज का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड देखें तो वो बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है और ये खिलाड़ी डिजर्व करता है टीम में जगह बनाना। अगर आप इस खिलाड़ी की बात करें तो उसने 66 पारियां खेली, 3,912 रन बना लिए हैं और एवरेज तकरीबन उसका 70 का है और इस तरीके के परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिलना चाहिए। अगर हम सरफराज खान के फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो 45 मैचों में उन्होंने 3,912 रन बनाए हैं। इसके अलावा हम उनके एवरेज की बात करें तो उनका एवरेज 69.85 का है, 69.85, 1400 किए उन्होंने, 1150 किए हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस है 301 नॉट आउट। वहीं दूसरी तरफ अगर रजत पाटीदार के फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस पर नज़र डाली जाए तो वहाँ उन्होंने 55 मैचों में 4000 रन बनाए हैं, 45.97 का एवरेज है, 1200 और 2250 हैं यहाँ रजत पाटीदार के और 196 उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है एक पारी में। तो रजत पाटीदार और सरफराज खान दोनों का अगर आप फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस देखें तो बेहतरीन रहा है, बहुत अच्छे उन्होंने रन्स बनाए हैं, एवरेज दोनों का बेहतरीन रहा है। सरफराज की बात करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में सीजन दर सीजन, रणजी दर रणजी वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किसी सीजन आप देखेंगे 70 का औसत, किसी सीजन 80 का औसत, किसी सीजन 90 का औसत और लगातार ये चर्चा रहती है कि टीम इंडिया में हर खिलाड़ी को जगह मिल गई है, सरफराज को क्यों जगह नहीं मिल रही, सरफराज कब आएंगे टीम में और सरफराज अब टीम में आ गए हैं। दूसरी तरफ रजत पाटीदार, इनको लेकर ये कहा जाता है कि इनका जो एग्रेसिव खेलने का अंदाज है, जिस तरीके से ये बैटिंग करते हैं, वो टीम इंडिया को बड़ा फायदेमंद रहेगा। अभी इन्होंने साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया के लिए ओडीआई में डेब्यू भी किया, वहां पर इन्होंने छोटी पारी खेली लेकिन बड़ी इंप्रेसिव पारी खेली थी और जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, कहा गया कि ये खिलाड़ी बड़ा शानदार होगा इन फ्यूचर टीम इंडिया के लिए। तो सरफराज या रजत पाटीदार दोनों में से किसे मौका मिलता है डेब्यू करने का, ये देखना दिलचस्प होगा। आप लोगों को क्या लगता है, सरफराज और रजत में से किसे प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।